गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने EC2 इंस्टांस का नया लेक्चर लेके, जिसमें हम देखेंगे कि परचेजिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी EC2 इंस्टांस की सारी टाइप्स पढ़ चुके हैं, अब हमें देखना है कि EC2 इंस्टांस किस किस तरीके से परचेज किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा 6 तरीके हैं हमारे पास EC2 इंस्टांसिस को परचेज करने के, जिसमें सबसे पहला है ऑन डिमांड परचेजिंग ऑप्शन, दूसरा है डेडिकेटेड इंस्टांस, तीसरा है डेडिकेटेड होस्ट, चौथा है स्पॉट इंस्टांस, पांचवा है शेड्यूल रिजर्व इंस्टांस या शेड्यूल इंस्टांस भी इसको बोलते हैं, और फाइनली है रिजर्व इंस्टांस, राइट। ये 6 तरीके हमें परचेजिंग के नजर आ रहे हैं सर्टिफिकेशन में, बहुत सारे सवाल इसमें से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं इसी लेक्चर के अंदर ये 6 के 6 डिस्कस करूंगा, तो आप कोशिश करिए इसे एंड तक देखने की, और इसमें वन बाय वन हम देखेंगे कि आखिर क्या फर्क है ऑन डिमांड अगर हम खरीदते हैं, क्या फर्क है डेडिकेटेड इंस्टांस अगर हम खरीदते हैं, क्या फर्क है स्पॉट इंस्टांस हम खरीदते हैं। मैं आपको बता दूं एक ब्रीफ ओवरव्यू देके कि जनरली जितने भी इंस्टांसिस आप लेते हैं, अगर आप लैब कर रहे हैं, आप सीखने के लिए कर रहे हैं, उस टाइम आप अपने अकाउंट में जो T2 माइक्रो का इंस्टांस लेते हैं, जो कि फ्री टीयर एलिजिबल है, वो जनरली ऑन डिमांड होता है। तो जितने भी इंस्टांसिस लिए जाते हैं जो आप लैब करते टाइम, या फॉर एग्जाम्पल रियल टाइम में भी अगर आपको इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक ऑन डिमांड इंस्टांस होता है, क्योंकि बाकी सब आपको या तो डेडिकेटेड लेना है, तो इसकी अपनी एक पॉलिसी है, राइट। स्पॉट इंस्टांस जो होता है वो जो सबसे सस्ते इंस्टांसिस होते हैं, जो अमेजन के खाली पड़े हुए होते हैं, बचे पड़े हुए होते हैं, उनकी वो बोली लगाता है, सस्ते में बेचने की कोशिश करता है, बट इनके साथ ये है कि जैसे इनकी बोली बढ़ती है, जैसे इनका प्राइस, मार्केट प्राइस, बिड प्राइस बढ़ जाता है, वो आपसे वापस ले लेता है, 2 मिनट के अंदर वो इसे टर्मिनेट कर देता है। तो जनरली इसे हम रियल टाइम सिनेरियो में कभी इस्तेमाल नहीं करते, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जहां आपको बहुत सस्ते इंस्टांस चाहिए कुछ देर के लिए, वहां आप इसे इस्तेमाल करते हैं। शेड्यूल इंस्टांस है, आपको एक आपका टाइम फिक्स है कि मुझे रात के 4 घंटे, दिन में मेरा सर्वर महंगा, अगर अब लग रहा है आपको कि दिन में सर्वर महंगा होता है, रात में या सस्ता हो सकता है, मेरे लिए सस्ता पड़ेगा, या अगर आपको लगता है कि मेरा ऑफिस 4 घंटे ही खुलता है दिन में, तो मैं सिर्फ 4 घंटे के लिए एक सर्वर को रिजर्व कर लूं, जो डेली 9 से 1 बजे तक, या 4 से 8 बजे तक रात के ओपन रहे, राइट। तो 4 घंटे के लिए, तो वो आप शेड्यूल कर सकते हैं। रिजर्व इंस्टांसिस अपने एक रिजर्व होते हैं 1 साल से 3 साल के लिए, तो इनकी अलग कैटेगरी है, तो इनको आप अलग अलग तरीके से खरीद सकते हैं। इन सभी में 6 के 6 में सबसे सस्ता इंस्टांस जो पड़ता है वो आपको स्पॉट इंस्टांस पड़ता है, उसके बाद जो सस्ता आपको पड़ेगा वो रिजर्व इंस्टांस पड़ेगा, राइट। बाकी सब कॉस्टली होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस, राइट। बाकी जो नॉर्मली आप कोई भी इंस्टांस ले रहे हैं, तो वो डेडिक ऑन डिमांड इंस्टांस होता है, राइट। तो ये बातें आपको समझ आ गई। इसके अलावा एक चीज और मैंने यहाँ पे लिखी है कि खरीदने के सिर्फ यहाँ पे 6 तरीके आपको जरूर नजर आ रहे हैं परचेजिंग ऑप्शन के, बट इनमें से जो मेजर होते हैं वो 3 ही होते हैं, राइट। और चौथा जो होता है वो डेडिकेटेड के लिए होता है, राइट। तो अगर आप देखें तो देयर आर 4 वेज टू पे फॉर अमेजन EC2 इंस्टांस, यानी अमेजन EC2 को खरीदने के 3 ही तरीके हैं। पहला ऑन डिमांड यानी ये वाला, दूसरा रिजर्व इंस्टांस यानी ये वाला, और तीसरा स्पॉट इंस्टांस यानी ये वाला, राइट। तो इन तीनों के बारे में क्या कहानी है, इन तीनों के बारे में कहानी ये है कि डेडिकेटेड इंस्टांस और होस्ट, डेडिकेटेड होस्ट जो है इसकी प्राइसिंग ऑन डिमांड के हिसाब से ही होती है, राइट। बस इसमें आपको जो इंस्टांस होगा वो डेडिकेटेड मिलेगा एक सर्वर के ऊपर, और जो इसमें होस्ट है तो ये पूरे का पूरा सर्वर ही आपके लिए मिलेगा बेयर मेटल, राइट। तो इन दोनों की लेकिन जो प्राइसिंग होगी वो ऑन डिमांड के हिसाब से होगी। अब बात आई शेड्यूल की, तो शेड्यूल की प्राइसिंग कैसे होगी, रिजर्व इंस्टांस के हिसाब से होगी, राइट। तो देखा जाए तो मेजरली 3 ही तरीके हैं पे करने के। चौथा जो डेडिकेटेड होस्ट है, इसका मैंने आपको बताया कि ये ऑन डिमांड के हिसाब से इसका पेमेंट होता है, तो ये पूरे का पूरा होस्ट ही आप ले लेते हैं। यू कैन ऑल्सो पे फॉर डेडिकेटेड होस्ट विच प्रोवाइड यू विद EC2 इंस्टांस कैपेसिटी ऑन फिजिकल सर्वर डेडिकेटेड फॉर योर यूज। तो यहाँ पे आप जो है इसको पूरे का डेडिकेटेड होस्ट का भी पे कर सकते हैं, बट इसकी भी जो पेमेंट होती है वो ऑन डिमांड के हिसाब से ही होती है, राइट। तो ये आपको समझ आ गया है। तो अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में देखते हैं और इनके बीच के डिफरेंसेस पता करते हैं, और शुरू करते हैं ऑन डिमांड के साथ, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपनी फर्स्ट टाइप पे आ गए हैं जो कि है ऑन डिमांड इंस्टांस, राइट। तो ऑन डिमांड इंस्टांस के अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, AWS ऑन डिमांड इंस्टांसिस आर वर्चुअल सर्वर्स दैट रन इन AWS और AWS RDS एंड आर परचेज एट अ फिक्स रेट पर आवर। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज,
ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपको ये नहीं पता कि आपका वर्कलोड कितना होने वाला है, आप कितनी देर सर्वर को चलाएंगे, अभी आप भी श्योर नहीं हो, आपकी नई कंपनी है फॉर एग्जांपल, और आप फिलहाल आपको ये भी नहीं मालूम कि कितना बड़ा सर्वर लेना चाहिए, कितने दिनों के लिए लेना चाहिए, आप टेस्टिंग करके देखना चाहते हैं, चला के देखना चाहते हैं 4-6 महीने, तो इट्स बेटर कि आप ऑन डिमांड इंस्टांस को खरीदें। दूसरी बात, इसमें सबसे बढ़िया चीज ये है कि जितने घंटे आप इस्तेमाल करते हैं आपको सिर्फ उतने घंटे का ही पे करना है, तो ये अपॉर्चुनिटी हो या बेनिफिट आपको इसमें मिलता है, राइट। तो फिक्स रेट होता है इसका, वो रेट भी नहीं बढ़ेगा। आपने ऑन डिमांड इंस्टांस फॉर एग्जांपल 100 रुपए पर आवर के हिसाब से आपने परचेस कर लिया है, तो उसका जो बिल है वो 100 रुपए पर आवर के हिसाब से ही आएगा, वो रेट वैरी नहीं करेगा, राइट। आपने वो इंस्टांस जिस रेट पे खरीदा और प्रेजेंट में जो रेट चल रहा है उसी रेट पे वो रहेगा। अगर कोई रेट रिवाइज होता है तो आपके पास अपडेट आएगा कि इस इंस्टांस का रेट रिवाइज हो गया या होने वाला है, राइट। AWS recommends using on-demand instances for application with short-term irregular workloads that cannot be interrupted. AWS recommend करता है कि इन्हें आप short-term workload के लिए इस्तेमाल करें, या आपकी organization में अभी आपका fix नहीं है कि आप 6 महीने चलाओगे, 3 महीने इस काम को आपको करना है, उस तरह के काम के लिए या छोटी duration के काम के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये uninterrupted है, right? यहाँ पे आपका इंस्टांस AWS ना तो आपसे वापस लेगा आपको बिना बताए, ना ही टर्मिनेट करेगा, वो आप ही के साथ रहेगा, या आप कहिए कि आपके लिए रिजर्व है जब तक आप उसे अपने पास रख रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है, जैसे कि स्पॉट इंस्टांस में होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बट ये छोटे मोटे वर्कलोड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या जहाँ पे स्पाइक्स आ रही हैं, राइट, एकदम से वर्कलोड थोड़ा और फिर ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस केसेस के लिए भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ऑन डिमांड इंस्टांस में आप इसको स्केल आउट और स्केल इन भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको कल को इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, स्टोरेज बढ़ानी है, आपको हायर रैम कॉन्फ़िगरेशन वाला सर्वर चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं, वो चीजें भी यहां पे अवेलेबल हैं, राइट। They are also suitable for use during testing and development of applications on EC2, right? तो ये testing and development के लिए भी काम में आती हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो इंस्टांसेस होते हैं ये आप मूव नहीं कर सकते, राइट। इंस्टांस को आप एक रीजन से दूसरे रीजन में नहीं लेके जा सकते, आप उसकी कॉपी बना सकते हो, उसकी इमेज बना के उसको मूव कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, स्नैपशॉट ले रहे हो फिर एक नया क्रिएट कर रहे हो, बट एग्जिस्टिंग सर्वर को उठा के उसी रनिंग सर्वर को एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में आप लेकर नहीं जा सकते, उसकी जो लोकेशन होती है वो फिक्स होती है, रीजन फिक्स होता है, राइट। With on-demand instances, you only pay for EC2 instances you use. तो आप जितने घंटे ये instance को इस्तेमाल करेंगे, आपको उतने ही घंटे का pay करना है। यहाँ पे billing hourly होती है, right? Per second की billing सिर्फ Linux servers और Ubuntu servers के लिए होती है। The use of on-demand instances frees you from the cost and complexities of planning, purchasing and maintaining hardware and transforms what are commonly large fixed cost into much smaller variable cost, right? तो ये क्या कि यार ऑन डिमांड में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको हेडेक नहीं लेना कि मैं, जैसे कि बाकी इंस्टेंसेस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको रिजर्व इंस्टेंस है, आपने 3 साल के लिए पहले से अपफ्रंट पेमेंट कर दिया, आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, यहां आपको एडवांस पेमेंट नहीं करना, आपका मंथली बिल आएगा, आपने 1 महीने में 10 घंटे चलाया तो 10 घंटे का बिल ही आपको 1 महीने के बाद पे करना है, अगर आपने ज्यादा चलाया है तो फिर आपको ज्यादा पे करना है, तो यहां आपकी टेंशन नहीं है कि मुझे पहले से एडवांस पेमेंट करना है सर्वर के लिए, मुझे बहुत बड़ा अमाउंट इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपने जितने घंटे सर्वर चलाया, और बहुत सस्ता होता है ये, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अगर आप नॉर्मल इंस्टेंसेस की बात करें तो वो पर आवर का $1 भी चार्ज नहीं करता, आप अगर देखेंगे मिनिमम, और बाकी $1.5-$2 में $1 से भी नीचे ही इसकी वैल्यू है पर आवर की, राइट। आप अगर देखेंगे इसकी प्राइसिंग में जाएंगे आप AWS की कंसोल में, मैनेजमेंट कंसोल में जाके आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये एक बड़ा बेनिफिट है कि आपको कोई अपफ्रंट अमाउंट नहीं देना है, पहले से कोई बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आप जितने घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं मंथली आप उतना पे आप करिए, आपका काम चलता रहेगा। Pricing is per instance hour consumed for each instance from the time an instance is launched until it is terminated or stopped. ये एक important है because आपका bill start होगा जैसे ही आप instance को launch करते हैं, boot करते हैं, और जैसे ही आप instance को terminate करते हैं आपका bill stop हो जाएगा, उसके बाद उस instance का pay नहीं करना। अब मसला आता है stop के साथ, terminate और stop में फर्क है। terminate का मतलब instance को पूरे तरीके से बंद कर देना, stop का मतलब है आपने shut down कर दिया but instance अभी भी आप ही के पास है, अब बस वो बंद हो रखा है, चल नहीं रहा, इतना फर्क है। उस केस में अगर ये स्टॉप है, ये आपने टर्मिनेट नहीं किया, स्टॉप किया है, तो आपको इंस्टांस का बिल तो नहीं देना पड़ेगा,
राइट। लेकिन इंस्टांस के साथ जो स्टोरेज अटैच है, जो EBS स्टोरेज अटैच है, उसका आपको बिल देना पड़ेगा। वो थोड़ा सा बहुत मिनिमम अमाउंट होता है, बट आपको देना पड़ेगा। स्टॉप के केस में भी अमेज़न उसको किसी और को दे देता है, बट आपने अगर इसे स्टार्ट किया तो आपका वो स्टार्ट वहीं से हो जाएगा, उसी सारा डेटा जो आपका पड़ा हुआ है वो वापस आ जाएगा, राइट। ये कैपेबिलिटी है इसके अंदर। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ईच पार्शियल इंस्टांस आर कंज्यूम्ड विल बी बिल्ड पर सेकंड फॉर लिनक्स। अगर लिनक्स है तो भैया, अगर आपने एक घंटा 15 मिनट इस्तेमाल किया है तो लिनक्स के केस में आपको एक घंटे 15 मिनट का ही देना है, बिल देना है। बट अगर विंडो सर्वर आपके पास है और आपने एक घंटा 15 मिनट इस्तेमाल किया है तो आपको 2 घंटे का बिल देना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए, ओके। अब इसके बाद हम दूसरी टाइप पे आते हैं और अब उसकी बात करते हैं, जो कि है हमारा डेडिकेटेड इंस्टांस। अब हम बात करते हैं डेडिकेटेड इंस्टांसिस की और डेडिकेटेड होस्ट की। दोनों को मैंने एक साथ ही बना दिया है ताकि आपको एक पिक्चर भी क्लियर हो जाए कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि डेडिकेटेड दोनों में लगा हुआ है, एक इंस्टांस है एक होस्ट है, तो दोनों में फर्क क्या है। मैं आपको बता दूं कि डेडिकेटेड होस्ट का मतलब ये है कि पूरे का पूरा जो एक अमेज़न का हार्डवेयर है वहां पे सिर्फ आपके ही इंस्टांसेस रन किए जाएंगे, राइट। इसमें एक सवाल और है कि क्या वहां पे डायरेक्टली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल होते हैं, जो जिसने भी उसको लिया है डेडिकेटेड होस्ट को, क्या वहां वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि वहां भी ज़ेन हाइपरवाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर भी वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट होता है, बट वो पूरे का पूरा जो एक होस्ट है वो आपके लिए रिजर्व है, राइट। हाइपरवाइजर वहां पर भी है, वर्चुअलाइजेशन वहां पर भी है, ऐसा नहीं है कि बेयर मेटल है, राइट। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बेयर मेटल होगा, डेडिकेटेड होस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। बेयर मेटल अलग से इंस्टांसेस आते हैं, अलग से आपको लेने पड़ते हैं। डेडिकेटेड होस्ट के अंदर दोनों तरीके की चीजें अवेलेबल है, तो अगर आप नॉर्मल उसमें देखें तो यहां पर भी वर्चुअलाइजेशन हुआ होता है, बट वो पूरे का पूरा एक हार्डवेयर जो एक सर्वर है वो जो सिर्फ आपके इंस्टांसिस के लिए डेडिकेटेड है, राइट। उसमें सिर्फ आपके ही इंस्टांसिस चलेंगे, एक चल सकते हैं, दो चल सकते हैं, चार चल सकते हैं, पर सेम AWS अकाउंट से ही वहां पे चलेंगे। जहां तक बात है डेडिकेटेड इंस्टांसिस की, तो डेडिकेटेड इंस्टांसिस के केस में क्या होता है कि मेरे पास जो एक सर्वर है फॉर एग्जाम्पल, उसमें उन्हीं लोगों के इंस्टांसिस रखे हुए होंगे जो डेडिकेटेड हैं। यानी वहां पे ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे का ऑन डिमांड इंस्टांस पड़ा हुआ है, एक का स्पॉट इंस्टांस पड़ा हुआ है, एक का डेडिकेटेड, नहीं ऐसा नहीं होगा। वहां पर भी टेनेंसी शेयर हो रही होगी, बट वहां पे जो आपका इंस्टांस है वो एक हार्डवेयर पे रहेगा, आपका जो इंस्टांस की जो अवेलेबिलिटी जोन है वो चेंज नहीं होगा, राइट। जबकि डेडिकेटेड इंस्टांसिस आर रन इन अ वीपीसी ऑन हार्डवेयर दैट इज डेडिकेटेड टू अ सिंगल कस्टमर, राइट। तो उसका जो वीपीसी है वो चेंज नहीं होता है वहां पे, उसके अंदर जितने भी डेडिकेटेड इंस्टांसिस हैं और इंस्टांसिस वहां पे हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका ही इंस्टांस वहां पे चल रहा है, राइट। योर डेडिकेटेड इंस्टांसिस आर फिजिकली आइसोलेटेड एट द होस्ट हार्डवेयर लेवल फ्रॉम इंस्टांसिस दैट बिलोंग टू अदर AWS अकाउंट। ये चीज मैंने आपको बताई है कि वहां पे और लोगों के इंस्टांसिस भी पड़े हुए होंगे, बट वो एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड होंगे। दूसरी बात, दूसरे लोगों के जो इंस्टांसेस वहां पड़े होंगे वो भी डेडिकेटेड ही होंगे, वहां पे ऑन डिमांड या स्पॉट इंस्टांस नहीं चल रहा होगा, राइट। डेडिकेटेड इंस्टांसेस मे शेयर हार्डवेयर विद अदर इंस्टांसेस फ्रॉम द सेम AWS अकाउंट दैट आर नॉट डेडिकेटेड इंस्टांसेस। ये केस हो सकता है, अगर आप ही के अकाउंट का कोई डेडिकेटेड इंस्टांस नहीं है, आप ऑन डिमांड इंस्टांस चला रहे हो और एक आप डेडिकेटेड इंस्टांस चला रहे हो, तो सेम अकाउंट का इंस्टांस वहां पर चल सकता है, राइट। ये एक पॉसिबिलिटी है। Pay for dedicated instances on demand, save up to 70% by purchasing reserve instances or save up to 90% by purchasing spot instances. तो dedicated instance को खरीदने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया था कि वो on demand ही होता है, right? तो आप on demand purchase करते हैं तो वहाँ पे 70% तक की आपको जो है benefit मिलेगा, right? और सॉरी रिजर्व अगर आप करते हैं तो ऑन डिमांड ही कंपैरिजन में 70% का आपको मिलेगा, और स्पॉट इंस्टांस अगर आप लेते हैं तो 90% तक का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब, अगर आप उसे एक साल या तीन साल तक के लिए रिजर्व करते हैं तो 70% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऑन डिमांड इंस्टांस खरीदा है और आपको महीने का बिल पड़ रहा है 10,000 रुपए, तो रिजर्व इंस्टांस अगर आप एक साल के लिए कर लेते हैं तो महीने का बिल आपका कितना पड़ेगा 70% डिस्काउंट होने पर, 3,000 रुपए। जी हाँ, तो आपको महीने का जो बिल देना पड़ेगा वो 3,000 देना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद डेडिकेटेड होस्ट की बात करें तो वो इससे थोड़ा अलग, इसलिए डेडिकेटेड होस्ट की जरूरत कहां पड़ती है, जरूरत वहां पड़ती है जहां आपको सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेज रिक्वायर्ड हैं और कंप्लायंस ऐसे हैं कि आपको लाइसेंस अपना ही चलाना है, उसी हार्डवेयर पे चलाना है। ऐसे बहुत सारे लाइसेंस होते हैं जो एक बार एक हार्डवेयर पे इनेबल आपने की डाल दी लाइसेंस की, तो वो दूसरी जगह फिर नहीं चल सकता, राइट। उसे एक ही हार्डवेयर पे रहना पड़ेगा, हार्डवेयर चेंज होने पे लाइसेंस दोबारा मांगने लगता है।
सकता है वो। तो ऐसे केसेस में हमें डेडिकेटेड होस्ट लेना पड़ता है, हमारी मजबूरी है कि यार हम जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उसका लाइसेंस एक बार हमने उस पर डाल दिया तो अब फिर वो हार्डवेयर चेंज नहीं होना चाहिए, अगर वो चेंज हो गया तो लाइसेंस दोबारा मांगने लग जाएगा, राइट। उस केसेस में आप डेडिकेटेड होस्ट अपने लिए लेते हैं। एंड अमेजन EC2 डेडिकेटेड होस्ट इज अ फिजिकल सर्वर विद EC2 इंस्टांस कैपेसिटी फुल्ली डेडिकेटेड टू योर यूज, राइट। तो वहां पे एक फिजिकल सर्वर पे आपके इंस्टांसेस चल रहे होंगे, राइट। डेडिकेटेड होस्ट कैन हेल्प यू एड्रेस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो मैं अभी आपको बता रहा था एंड रिड्यूस कॉस्ट बाय अलाउंग यू टू यूज योर एग्जिस्टिंग सर्वर बाउंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। तो आपके जितने लाइसेंसेज हैं आप अपने उस होस्ट पे चला सकते हो, बिकॉज अब कोई मसला नहीं है, आपका हार्डवेयर कभी चेंज ही नहीं होगा, तो आप जो भी लाइसेंस आप चलाना चाहते हैं वो आप चलाइए इजिली, वो वहीं पर रहेगा, वो कभी चेंज भी नहीं होगा, तो कोई कंप्लायंस का इशू आपके साथ नहीं आएगा। पे फॉर अ फिजिकल होस्ट दैट इज फुली डेडिकेटेड टू रनिंग योर इंस्टांसेस एंड ब्रिंग योर एग्जिस्टिंग पर सॉकेट पर कोर और पर VM सॉफ्टवेयर लाइसेंस टू रिड्यूस कॉस्ट। तो आपको सिर्फ डेडिकेटेड होस्ट का पे करना है, उसके बाद आप उसके अंदर इंस्टांसेस कितने भी चला सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपने डेडिकेटेड होस्ट जो है वो किस कैपेसिटी का खरीदा है, ये आपको याद रखना है। सपोज आपने डेडिकेटेड होस्ट खरीदा है 16 vCPU के साथ और उसमें रैम है मेरी 64 GB, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सर्वर पर उस पे एक इंस्टांस बना सकते हैं 16 vCPU का 64 GB के साथ, 64 GB रैम के साथ, या फिर दो इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें दोनों में 8 vCPU के वर्चुअल सीपीयू होंगे, दोनों में 8 और दोनों में 32 GB की रैम लगी हुई होगी। तो इट डिपेंड्स कि आपने जो होस्ट खरीदा उस पे इंस्टांसेस कितने बन सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस कैपेसिटी का डेडिकेटेड होस्ट खरीदा है या पे आपने पे किया है जिस किस कैपेसिटी के लिए। तो इंस्टांसेस उसी के बेस पे आप उस पे क्रिएट कर सकते हो, राइट। जहां तक बिलिंग की बात है तो डेडिकेटेड होस्ट में बिलिंग आपकी अगर आप स्टॉप कर देते हैं तो इंस्टांसेस अगर आप स्टॉप कर देते हैं तो आपकी बिलिंग नहीं होती है, राइट। जो एक नॉर्मल चार्जेस हैं डेडिकेटेड होस्ट के वो आपको देने पड़ते हैं, बट इंस्टांसेस जब तक आपके रन नहीं करेंगे तो आपको उतना पे नहीं करना है। यहाँ तक डेडिकेटेड इंस्टांस की बात है, यहाँ पर भी सेम केस है, आप जब इंस्टांस को स्टॉप करते हैं तो आपकी बिलिंग स्टॉप हो जाती है और जब आप इंस्टांस चलाते हैं तो आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर कि भैया क्या मैं इसको जो है डेडिकेटेड होस्ट जो अगर मैंने एक लिया हुआ है तो क्या मैं इसे माइग्रेट कर सकता हूँ किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में या किसी दूसरी रीजन में, तो आप इसे माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, राइट। इवन आप डेडिकेटेड इंस्टांस को कन्वर्ट करके रिजर्व इंस्टांस या फिर कोई और ऑन स्पॉट इंस्टांस या स्पॉट इंस्टांस भी नहीं बना सकते हैं, आपने जो परचेस किया है वही आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट इंस्टांस पे आते हैं। अगली टाइप है हमारी स्पॉट इंस्टांसेस। स्पॉट इंस्टांसेस यार सबसे सस्ते होते हैं सारी कैटेगरीज में, जितने भी परचेजिंग ऑप्शंस हमारे पास है उनमें सबसे सस्ता ऑप्शन होता है स्पॉट इंस्टांसेस का। ये अमेजन अपने आप कुछ इंस्टांसेस जो कि खाली पड़े हुए हैं, यूज नहीं हो रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल कुछ आप इसे ऐसा समझिए कि मेरा एक होटल है और मेरे होटल के अंदर 100 कमरे हैं और शाम को 8 बजे तक मेरे 50 कमरे भर गए हैं और 50 रूम मेरे अभी भी अवेलेबल हैं, खाली हैं, और मुझे पता है कि अगर रात में भी कोई नहीं आया तो फिर अगले दिन ही कोई आएगा इसमें, नाइट में अगर कोई नहीं आया तो नहीं आया या एक दो बंदे आ जाएंगे, तो मैं क्या करता हूं, मैं रात में डिस्काउंट निकाल देता हूं कि ठीक है वैसे भी अगले दिन 12 बजे चेकआउट हो जाता है तो रात में कोई बंदा आ भी जाएगा तो 7-8 घंटे 10 घंटे स्टे कर पाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो मैं क्या करता हूं, मैं डिस्काउंट निकाल देता हूं कि रात के 8 बजे के बाद मैंने एकदम से अपना प्राइस निकाला कि मेरे रूम का जो प्राइस है वो 5000 से मेरा सीधा 2500 पे आ गया है, तो अगर कोई अभी चेक इन करता है तो उसे 2500 में मैं रूम दे दूंगा और अगले दिन 12 बजे से चेकआउट करना है। तो ऐसे में क्या होगा, मेरे वो जो रूम खाली जा रहे थे वो अगर रात में कोई नहीं आया तो नहीं आया, मैं और यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा उसे, दैट इज अ काइंड ऑफ पेरिशेबल रिसोर्सेज, जो अगर यूज हो गए तो हो गए अदरवाइज वो मेरा वेस्टेज है, क्योंकि मेरे रूम तो पड़े ही हैं, बने हुए हैं, रेडी भी हैं, कोई आएगा तो मेरा फायदा ही है, तो 5 ना दे 2.5 तो दे कम से कम, कुछ तो पैसा कुछ तो इनकम होगा उन रिसोर्सेज से। कुछ ऐसा ही है स्पॉट इंस्टांसेस के साथ। अमेज़न ने जितने सारे सर्वर अपने डेटा सेंटर में बना रखे हैं उनमें से जितने सर्वर्स खाली पड़े हुए होते हैं, जो बीच में किसी ने वापस कर दिए या जो मेरे सर्वर्स यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, उनमें से कुछ सर्वर्स को या कुछ और हर कैटेगरी में, ऐसा नहीं है कि स्पॉट इंस्टांसेस किसी छोटे सर्वर्स के लिए हैं, बड़े सर्वर के लिए हैं, हर कैटेगरी के लिए स्पॉट इंस्टांसेस आप ले सकते हो, किसी भी, चाहे वो GPU, चाहे वो मेमोरी ऑप्टिमाइज हो, चाहे वो स्टोरेज ऑप्टिमाइज सर्वर हो, कोई भी इंस्टांसेस आपके हो, आप स्पॉट इंस्टांसेस वो परचेज कर सकते हैं।
तो अमेजन क्या करता है कि जो जो खाली पड़े हुए इंस्टांसिस उनको वो सस्ते में निकाल देता है, उनको वो एक ऑप्शन निकालता है, एक बोली लगाता है कि ये वाला सर्वर मैं आपको 100 रुपए पर आवर के हिसाब से पे कर रहा हूँ, जिसकी 500 रुपए कीमत थी या जिसकी 1000 रुपए कीमत थी, मैं आपको 100 रुपए में दे रहा हूँ, 90% तक डिस्काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो कहता है कि मैं 1000 रुपए वाला सर्वर आपको 100 रुपए में दे रहा हूँ, लेकिन अब अगर आपको 100 रुपए में मिल गया तो आप तो फिर उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहोगे। तो ऐसा नहीं है, अमेजन कहता है कि भैया 100 रुपए में आपको दे रहा हूँ, लेकिन जैसे इसकी कीमत 100 से 110 हो जाएगी या 120 हो जाएगी मैं आपसे वापस ले लूंगा, तब तक ये आपके पास रहेगा जब तक इसकी कीमत 100 से 110 नहीं होती, राइट, या मेरा अगला अपडेटेड प्राइस नहीं आता, उस केस में अमेज़न तब तक वो आपको देके रखता है। और अगर उसकी कीमत 100 से 110 हो गई, उस केस में वो सिर्फ 2 मिनट देगा आपके पास और 2 मिनट में आपसे वो इंस्टांस वापस ले लेगा, राइट। तो जनरली ये इंस्टांसिस हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, जहां हमें ये पता है कि अगर सर्वर उसने वापस भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई काम खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सिंपल टेस्टिंग कर रहा था, राइट। तो उन केसेस के लिए ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत कम कीमत पे आप अपनी कोई भी टेस्टिंग वेबसाइट रन करके देख सकते हो, कोई एप्लीकेशन रन करके देख सकते हो कि क्लाउड पे ये रन हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एक स्पॉट इंस्टांस खरीद दो। इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपने अपनी बिड लगा दी, अभी स्पॉट इंस्टांस का प्राइस 150 रुपए चल रहा है जो आपको चाहिए जिस कॉन्फ़िगरेशन का, और आपने एक बिड लगा दी कि अगर ये 100 पे आ जाए तो मेरे को एक इंस्टांस आप प्रोवाइड करा दें, तो आप वहां पे अपनी बिड लगा के भी छोड़ सकते हैं, जैसे ही उसका प्राइस 100 पे रीच करेगा आपके लिए इंस्टांस अवेलेबल हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है। Amazon EC2 Spot Instances let you take advantage of unused EC2 capacity in the AWS cloud. तो जो भैया खाली पड़े हुए होते हैं सर्वर हमारे instances, वो spot instances के तौर पे Amazon आपको दे देता है, ताकि भैया कुछ तो मिले मुझे, कुछ तो मेरी इनकम हो, राइट, बनिया है वो भी पूरा वाला, ठीक है। तो स्पॉट इंस्टांसिस आर अवेलेबल एट अप टू 90% डिस्काउंट कंपेयर टू ऑन डिमांड प्राइसेस, राइट। तो 90% तक का ऑन डिमांड प्राइसेस के बेस पे अगर देखें, ऑन डिमांड के कंपैरिजन में 90% तक का डिस्काउंट आपको इस पे मिलता है। यू कैन यूज स्पॉट इंस्टांसिस फॉर वेरियस टेस्ट एंड डेवलपमेंट वर्कलोड्स, राइट। तो टेस्टिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू हाइबरनेट, स्टॉप और टर्मिनेट योर स्पॉट इंस्टांसिस व्हेन EC2 रिक्लेम्स द कैपेसिटी बैक विद 2 मिनट्स ऑफ नोटिस, राइट। आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, हाइबरनेट कर सकते हैं खुद से। अगर आप स्टॉप करते हैं तो आपका जो रैम में जो भी डेटा है वो क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अगर हाइबरनेट करते हैं तो रैम वाला डेटा परसिस्टेंट आपका रहता है, राइट। और अगर EC2 अगर अमेज़न ने उसे आपसे वापस ले लिया तो वो सिर्फ आपको 2 मिनट का नोटिस देगा, 2 मिनट में आपसे वापस ले लेगा। अगर 2 मिनट में आप अपना डेटा सेव कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो भैया सब उड़ जाएगा, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने लिखा है कि किस केस में, व्हेन वुड माय स्पॉट इंस्टांस गेट इंटरप्टेड, वो क्या केस हो सकता है कि मेरे से मेरा इंस्टांस वापस ले लिया जाए। देखिए दो केस हो सकते हैं, पहला केस तो कि भैया जो उसका असली हकदार है वो मिल गया, राइट, क्योंकि आपको तो मैंने सस्ते में इसलिए दिया था क्योंकि कोई आ नहीं रहा था, राइट, तो मैंने आपको दे दिया चलाने के लिए। आपको जेन्युइन बंदा आ गया, यार मुझे एक रिजर्व इंस्टांस चाहिए 3 साल के लिए, और मैंने वो इंस्टांस आपको दिया हुआ है कुछ देर चलाने के लिए, तो ऑब्वियसली मैं आपसे वापस लूंगा, क्योंकि 100 रुपए उसकी कीमत नहीं थी, मैंने तो आपको फॉर द टाइम बीइंग दिया हुआ था, जब तक वो बंदा नहीं आता जो ढंग की कीमत पे कर सकता है, राइट। तो अब जैसे ही वो बंदा आ जाएगा रिजर्व इंस्टांस खरीदने के लिए कि यार मुझे एक रिजर्व इंस्टांस चाहिए फलाना कॉन्फ़िगरेशन का, वो मैंने आपको 100 रुपए में चलाने को दिया हुआ था पर उसकी कीमत तो 1000 रुपए, आप भी जानते हैं मैंने तो 90% डिस्काउंट पे आपको दे दिया था और कह के दिया था कि भैया जैसे इसका असली हकदार आएगा वापस ले लूंगा। तो उस केस में प्राइमरी केस वही हो सकता है, प्राइमरी रीजन वुड बी अमेज़न EC2 कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, उसे हो सकता है ऑन डिमांड के लिए जरूरत पड़ जाए, रिजर्व इंस्टांसिस के लिए जरूरत पड़ जाए, तो वो आपसे वापस ले लेगा, राइट। दूसरा केस हो सकता है if you have chosen to set a maximum spot price and the spot price rises above this, अगर आप कहते हो कि भैया 100 रुपए का मैंने खरीदा है लेकिन अगर 120 से ज्यादा हो जाए तो वापस ले लेना, राइट। 100 से 120 तक की मेरी कैपेसिटी है, 120 से अगर इसका प्राइस राइज करने लगे मार्केट में तो आप वापस ले लेना। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर उसका प्राइस आपके प्राइस से ऊपर चला जाता है, जो आपने लिमिट रखी हुई है कि 120 से ज्यादा मैं पे नहीं कर सकता, मैंने 100 रुपए का खरीदा है, मैं मैक्सिमम 120 तक इसका देने को तैयार हूं, उससे ज्यादा हो तो आप वापस ले लीजिएगा, उस केस में भी आप इसे जो है आपसे ये वापस ले लिया जाएगा, राइट। तो इसके बाद हम शेड्यूल इंस्टांस की बात करते हैं। तो अब हम आ गए हमारे शेड्यूल इंस्टांसिस पे, ये थोड़े से स्पेसिफिक किस्म के हैं और अमेज़न ने ये बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट निकाला है कि यार अगर आप अपना जो सर्वर है, सपोज आप सैटरडे संडे ही आपका ऑफिस खुलता है, आपने इस तरह से कोई डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो फिर आपका एक सर्वर आप ऐसा बनवा सकते हो, इंस्टांस ले सकते हो जो सैटरडे संडे ही सिर्फ आपको मिलेगा। आप एक शेड्यूल डिफाइन कर दोगे कि मुझे सैटरडे और संडे दोनों दिन जो है सुबह 9 बजे के शाम के 5 बजे तक के लिए मुझे ये इंस्टांस चाहिए होगा, और हर वीक में मुझे
ऐसा करना है तो पूरे साल के लिए आप अपना इंस्टांस रिजर्व करा सकते हो, जिसमें सैटरडे संडे 8 घंटे के लिए डेली आपको आपका इंस्टांस मिल जाया करेगा। तो इस तरह के इंस्टांस को हम शेड्यूल इंस्टांस कहते हैं, राइट। और इसमें भी प्राइस जो है ठीक ठाक आपको पड़ जाता है, बहुत महंगा आपको नहीं पड़ता है, बट हाँ प्राइस आपका रिजर्व रहता है। आपको 8 घंटे तो पे करना ही करना है, आप इस्तेमाल करो या ना करो, और एक साल के लिए अपफ्रंट पेमेंट आपको देना पड़ता है, राइट। शेड्यूल्ड रिजर्व इंस्टेंसेस इनेबल यू टू परचेस कैपेसिटी रिजर्वेशंस दैट रेकर ऑन अ डेली वीकली और मंथली बेसिस विद द स्पेसिफाइड स्टार्ट टाइम एंड ड्यूरेशन फॉर अ 1 ईयर टर्म। तो एक साल के लिए आप इसे लेते हैं, जिसमें आपको अपना टाइम डिफाइन करना पड़ता है कि मुझे सुबह 9 बजे से सर्वर मेरा स्टार्ट होना चाहिए, शाम के 5 बजे तक के लिए वो मेरे पास रहना चाहिए, तो मैं 8 घंटे का आपको पे करूंगा। तो अमेज़न इस तरीके के फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कराता है, राइट। यू रिजर्व द कैपेसिटी इन एडवांस सो दैट यू नो इट इज अवेलेबल वेयर यू नीड इट। तो अगर आपने अपनी कैपेसिटी रिजर्व की हुई है, आपको पता है कि 9 बजे सर्वर मेरा रेडी मिलेगा मेरे को, तो 9 बजे आपको आपका इंस्टांस रेडी मिलेगा, आप उसे स्टार्ट करिए और चलाइए। बट अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो भी बिल आपका लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो इंस्टांस आपके नाम पे अमेज़न ने रिजर्व कर दिया सैटरडे संडे के लिए, और आप उसके लिए साल भर का पे भी कर चुके हो, राइट। तो अब इस्तेमाल करो ना करो आपके ऊपर है। You pay for the time that the instances are scheduled, even if you do not use them. तो आप पे करोगे ही करोगे सैटरडे संडे के लिए, भले ही आप उसे इस्तेमाल ना करो, राइट। क्योंकि भैया आपके नाम पे कमरा बुक हो गया, अब आप रहने आओ या ना आओ, राइट। मैंने दूसरे को तो नहीं दिया ना वो कमरा, आप अचानक से आ जाते, बोलते यार मैंने तो बुक किया था, फिर आपने दूसरे को कैसे दे दिया, तो मसला हो जाएगा, राइट। तो होटल की बात कर रहा हूँ मैं, आप कहेंगे कहाँ पहुँच गए, कौन से कमरे के, भी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको होटल का, राइट। मेरा एक होटल भी है ना, एक होटल हिल्टन जो है, राइट। तो चलिए, तो Schedule instances are a good choice for workload that do not run continuously but do run on a regular schedule. तो ये कहाँ पे काम आएंगे यार, देखिए जो सैलरी बनती है ना हमारी, जो तनख्वाह बनती है हमारी, वो महीने के एंड में बनती है 30 तारीख को 31 तारीख को, तो उस टाइम एक सर्वर चाहिए होता है हमें जो तनख्वाह कैलकुलेट करे मेरे 50,000 एम्प्लॉयज की, पर वो सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो एंड में ही काम करेगा, क्योंकि तनख्वाह तो एंड में बनती है। तो इस तरीके के इंस्टांसिस जो आपको पता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर ही मुझे जरूरत पड़ेगी, उनके लिए आप शेड्यूल इंस्टांसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। परचेज इंस्टांसिस दैट आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन द स्पेसिफाइड रिकरिंग शेड्यूल फॉर अ 1 ईयर टर्म, राइट। तो आपको पता है कि आपको एक साल के लिए मिल जाता है, तो वही बात इन्होंने यहाँ लिखी है। अब इन्होंने लिखा है कि यू कैन यूज शेड्यूल इंस्टांस फॉर एन एप्लीकेशन दैट रन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स और फॉर बैच प्रोसेसिंग दैट रन एट द एंड ऑफ द वीक। तो ये भी एक एग्जांपल मैंने आपको लिखा है कि आप सैटरडे संडे में या तो 9 से 5 ले लें, या फिर आप ऐसा इंस्टांस ले लें जो महीने के एंड में 5 दिन के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि उस टाइम मुझे सैलरी बनानी होती है या कोई और बैलेंस शीट से रिलेटेड काम करने होते हैं। तो इस तरीके की आप अपने शेड्यूल इंस्टांसिस भी ले सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, और शेड्यूल इंस्टांस एक एक्चुअली रिजर्व इंस्टांस का ही पार्ट है। शेड्यूल रिजर्व इंस्टांस जो है इसको कहा जाता है, या शेड्यूल इंस्टांस भी इसको कह सकते हैं। रिजर्व इंस्टांस इससे अलग अब हमने एक कैटेगरी बना रखी है। तो ये तो खैर शेड्यूल इंस्टांस है, जिसमें आपको एक शेड्यूल है, आपका फिक्स है कि इस हफ्ते में 2 दिन के लिए मेरे को हर हफ्ते 2 दिन सैटरडे संडे के लिए सर्वर चाहिए, तो उसको हम शेड्यूल इंस्टांस कहेंगे। अगली कैटेगरी है रिजर्व इंस्टांस, जो पूरे साल के लिए रिजर्व हो जाता है, सुबह दोपहर शाम पूरे टाइम के लिए। वो शेड्यूल नहीं है कि सिर्फ 8 घंटे के लिए रिजर्व है, पूरे साल के लिए रिजर्व होता है, उसकी अपफ्रंट पेमेंट आपको करनी पड़ती है। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हमारी लास्ट परचेजिंग ऑप्शन है वो, राइट। तो अब हम चलते हैं रिजर्व इंस्टांस की तरफ। तो लास्ट टाइप है हमारी रिजर्व इंस्टांसिस, और ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये आपकी 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए आप एडवांस पेमेंट करके रिजर्व करा लेते हो। अगर आपको ये मालूम है कि आपका ये काम होना ही होना है, आपकी कंपनी में ये सर्वर तो चलेगा ही चलेगा, वेबसाइट तो आपको चलानी चलानी है, तो उसके लिए तो आपको मिनिमम एक सर्वर चाहिए ही चाहिए, तो आप उसके लिए एक सर्वर रिजर्व कर सकते हैं, एक रिजर्व इंस्टांस परचेज कर सकते हैं, जहां आप 1 साल की या 3 साल तक के लिए पेमेंट करके अपने सर्वर इंस्टांस रिजर्व कर सकते हैं, और फिर वो आपके लिए रिजर्व हो जाएगा, आप उसे जितना चाहें चलाएं और जितना चाहें जब चाहें बंद करें, जब चाहें चलाएं, वो आपके लिए रिजर्व है। रिजर्व कराने में फायदा क्या है कि आपको ऑन डिमांड इंस्टांस से वो 75% तक सस्ता पड़ जाता है। आप अगर ऑन डिमांड में सेम काम कर रहे हैं और उसकी कीमत 1,000 रुपए जा रही है, तो वही काम रिजर्व इंस्टांस करा के आप 250 रुपए महीने के बिल पे करा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार मुझे हर महीने देने से अच्छा है कि कई बार होता है ना कि हम भी कई बार कहते हैं कि होटल वाले, जब हम होटल की बात करते हैं, आज मैं होटल की बात बड़ी कर रहा हूँ, राइट। तो अगर हम होटल में जाते हैं और हम होटल वाले से कहते हैं यार 1 दिन रुकना है, तो वो कहेगा सर 1,000 रुपए लगेंगे। फिर हम कहते हैं यार हमें तो यहाँ 10 दिन रुकना है, तो हम उस होटल वाले से
फिर थोड़ी सी मांडवली करते हैं, थोड़ा सा नेगोशिएशन करते हैं कि यार एक काम करो, मुझे 10 दिन रहना है, तुम तो वो बोलेगा 10,000 रुपये, तो बोलोगे यार मैं एक साथ 10 दिन रह रहा हूँ तो 10 दिन का कुछ तो डिस्काउंट करो, तो कहता है ठीक है सर आपके लिए 9,000 रुपये कर देंगे, राइट। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में हैं, यहाँ पे किसी छोटे शहर में हैं, सपोज मेरठ में हैं, या फिर आप मुजफ्फरनगर में हैं, या फिर आप गाजियाबाद में हैं, या एमपी के अंदर भोपाल में हैं, या सिक्किम में हैं, गैंगटॉक में हैं, तो हालांकि गैंगटॉक तो एक टूरिस्ट प्लेस है, खैर उसकी बात नहीं करेंगे, बाकी जो छोटे छोटे शहर है ना हमारे, वहां पे आप चले जाएं तो वो उसको भी दिखता है कि यार वैसे भी ये टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं, अभी मेरठ के अंदर कौन आ रहा है या मुरादाबाद में कौन आ रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं, इसको सस्ते में दे देते हैं, तो 10 दिन के लिए वो कहेगा ठीक है आप 10 दिन का 6,000 रुपये मेरे को दे देना, एक दिन का वो 1,000 रुपये ले रहा है लेकिन 10 दिन का आपसे 6,000 रुपये में उसने कर लिया, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार ये बंदा 10 दिन के लिए मेरी टेंशन खत्म कि मेरे रूम में कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, तो आपकी भी टेंशन खत्म हो गई, तो आप थोड़ा डिस्काउंट उसको दे देते हो। ऐसे अमेज़न भी करता है, राइट। तो जो हमारा जेफ बेजोस है ना, जो अमेज़न का सीईओ, बड़ा ही इंटेलिजेंट आदमी, ऐसे नहीं बाल उड़ गए उसके, राइट। तो 75% तक जो है ये आपको रिजर्व इंस्टेंसेस में डिस्काउंट देते हैं, किसी भी लेवल का इंस्टेंस आप खरीद सकते हैं, कितना भी लार्ज खरीद सकते हैं, कितनी भी रैम के साथ, जो भी टाइप्स हमने पढ़ी है, मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, हाई परफॉर्मेंस, जो भी आप लेना चाहते हैं आप इंस्टेंस को ले सकते हैं। रिजर्व इंस्टेंस कराने पे आपको साल भर की पेमेंट पहले करनी पड़ती है, बस ये एक डिसएडवांटेज है, राइट। बट उसमें आपको पेमेंट भी फिर 75% डिस्काउंट के साथ करनी है, आपको 6,000 रुपये भैया आज ही देने पड़ेंगे अगर आपको 10 दिन रहना है, क्योंकि मुझे भी तो यकीन होना चाहिए ना आप 10 दिन रहोगे, तो वो आपसे पेमेंट आपसे पहले ले लेगा, राइट। रिजर्व इंस्टेंसेस गिव यू द ऑप्शन टू रिजर्व अ डेटाबेस इंस्टेंस फॉर अ 1 or 3 year टर्म एंड इन टर्न रिसीव अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट कंपेयर टू द ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। तो वही वाली बात है कि आप 1 से 3 साल तक के लिए लेते हैं तो आपको काफी सस्ते में पड़ जाता है इन कंपैरिजन टू ऑन डिमांड, राइट। अगर टाइप्स की बात करें तो रिजर्व इंस्टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड होता है, कन्वर्टिबल होता है, शेड्यूल आरआई होता है। शेड्यूल आरआई कुछ नहीं है, जो अभी हमने पढ़ा है पिछली टाइप शेड्यूल इंस्टेंस वही होती है, राइट, सेम होती है। शेड्यूल आरआई एक्चुअली रिजर्व इंस्टेंस का ही टाइप है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस भी इसको बोलते हैं, तो ये उसी की टाइप है, वहां पे अमेज़न ने अभी अलग से डिफाइन कर दी है, बट है वो इसी की टाइप, तो इसके अंडर वो आती है, राइट। स्टैंडर्ड आरआई होता है जिसमें 75% तक आपको डिस्काउंट मिलता है, आपने कहा मुझे ये इंस्टेंस चाहिए, ये कैपेसिटी के साथ चाहिए, इतनी रैम, इतना वर्चुअल सीपीयू, इतनी लोकल स्टोरेज मुझे चाहिए, सब कुछ डिफाइन है, तो आप भैया आपको 75% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, आप इंस्टेंस ले लो, तो वो तो हो जाता है स्टैंडर्ड आरआई, राइट। लेकिन आपने कन्वर्टिबल लेने का ऑप्शन भी अमेज़न ने आपको दिया है कि आप अभी श्योर नहीं हो, हो सकता है फ्यूचर में आपको रैम ज्यादा करवानी पड़ जाए और आप भी डाउटफुल हो कि यार हो सकता है मैं अभी ये वाला इंस्टेंस ले लूं, कल को मेरा दूसरा इंस्टेंस लेने का मन करने लगे क्योंकि मेरी एप्लीकेशन ऐसी है, हो सकता है उस पर ज्यादा बेटर चले, मैं भी कभी श्योर नहीं हूं, तो उस केस में आप कन्वर्टिबल आरआई ले सकते हैं। कन्वर्टिबल आरआई लेने में फायदा यह है कि यहां पर भी डिस्काउंट आपको मिलेगा 54% तक, अप टू है, वैसे अप टू लगा हुआ भैया यहां पे, ये आप याद रखना, 54% फिक्स नहीं है, वो होता है ना अप टू 90% सेल, वो सेल में होता है अप टू 90%, पर वो जब शोरूम में जाते हैं तो पता चलता है दो जोड़ी जूते रखे हुए हैं बस 90% वाले, वो भी सबसे घटिया जो शोरूम में होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अप टू लिखा है, अब मैं कह नहीं सकता ये 40% आपको देंगे जब आप लेने जाओगे 30% देंगे, राइट, मैक्सिमम 54% है, राइट। दिस प्रोवाइड अ डिस्काउंट अप टू 54% एंड द कैपेबिलिटी टू चेंज द एट्रीब्यूट्स, आप अपने एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हो, यानी कल को आपको एक मीडियम इंस्टेंस पसंद नहीं आ रहा, आपको लार्ज इंस्टेंस चाहिए, आप लार्ज इंस्टेंस ले सकते हो, कल को आपको लगता है कि यार मुझे उसकी रैम ज्यादा चाहिए या मुझे ये वाला इंस्टेंस नहीं चाहिए, मेमोरी ऑप्टिमाइज, मुझे हाई मेमोरी इंस्टेंस चाहिए, आप वो भी ले सकते हो। तो आप जैसा भी चाहते हैं वैसा इंस्टेंस इसमें चेंज कर सकते हो, कन्वर्टिबल है ये, आप अपने इंस्टेंस को बाद में फ्यूचर में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, राइट, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। तो वहां पे कन्वर्टिबल आरआई का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो ये ऑप्शन भी इसने आपको दिया हुआ है। शेड्यूल आरआई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको मालूम है। अच्छा, इसके अंदर कुछ और सवाल भी आते हैं तो वो सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कैन आई ट्रांसफर अ कन्वर्टिबल और स्टैंडर्ड आरआई फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, क्या मैं एक रीजन से दूसरे रीजन में अपने आरआई को, जो मेरा कन्वर्टिबल आरआई है या स्टैंडर्ड आरआई है, रिजर्व इंस्टेंस है, मूव कर सकता हूं? तो भैया जवाब होगा नहीं, आप इसे मूव नहीं कर सकते, कोशिश भी मत करना, ठीक है। और दूसरा है, हाउ डू आई चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कन्वर्टिबल आरआई, तो मैं उसके, अगर मैं एक इंस्टेंस यूज कर रहा हूं और मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहता हूं, रैम बढ़ाना चाहता हूं, तो कहां से कर सकते हो? मैनेजमेंट कंसोल में जाके कर सकते हो, या फिर गेट रिजर्व इंस्टेंस मैनेजमेंट कोटा एपीआई के थ्रू कर सकते हो। आप जैसे ये टाइप करोगे अपने कंसोल में जाके, आप इसे कर पाओगे, राइट। तीसरा सवाल आता है, डू आई नीड टू पे अ फी
when I exchange my convertible RI, क्या जब मैं एक instance से दूसरा instance exchange करता हूँ, बदलता हूँ, छोटे मेरा पहला एक दूसरा instance था, मैं दूसरा instance ले रहा हूँ, तो क्या उसके लिए मुझे कोई fees देनी पड़ती है, extra charge देना पड़ता है? तो no, आपको कोई extra charge नहीं देना पड़ता, but जो difference होगा, अगर आपने अभी छोटा आप instance चला रहे हो, बाद में आप एक बड़ा instance चलाना चाहते हो जिसमें ज़्यादा RAM है, तो दोनों के बीच में price का जो फर्क होगा, वो आपको pay करना पड़ेगा, या उस हिसाब से आपको जो भी difference आएगा दोनों instances के बीच में, क्योंकि अभी आपने सस्ता वाला खरीदा हुआ है, बाद में आप महंगे वाले की डिमांड करते हो, तो obviously price का difference तो होगा, तो वो difference आपको देना पड़ेगा, right? Otherwise exchange करने की या बदलने से ये जो convert कर रहे हो, उसका कोई extra charge Amazon आपसे नहीं लेता, भला आदमी है जेफ बेजोस, right? तो चलिए, I hope purchasing options आपको समझ आ गए होंगे, बहुत important है, exam में बहुत सारे सवाल इससे आते हैं, तो काफी हद तक कोशिश की है मैंने आपके doubts clear करने की, आपको समझाने की, फिर भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, कोशिश करिए नोट्स को बनाने के बाद खुद से भी गूगल करके जहां भी जो भी सवाल आपके दिमाग में आता है आप उसे गूगल करिए, सर्च करिए, सब कुछ अवेलेबल है, राइट? और अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, अब इसकी लैब आप करके देख सकते हैं, जो लैब अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, और आप वहां पे चेक कर सकते हैं, और सीक्वेंस का कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पे सीक्वेंस नहीं बनाई है, राइट? मैंने वीडियो के बाहर कोई लिखा नहीं हुआ है कि ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है AWS की, उसमें जिस सीक्वेंस में मेरे लेक्चर्स हैं, उस लेक्चर्स में आपको, उस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, मैं अपने वीडियो इस हिसाब से प्लेस करता हूं कि वो उस सीक्वेंस में ही आपको फॉलो करना है, राइट? तो अगर आपने वीडियो को डाउनलोड कर लिया है, तो फिर आप अगर देखना चाहते हैं कि कैसे पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट के हिसाब से अपने एक नोट्स बना लीजिए कि पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, तो आपको समझ आ जाएगी आपको कौन सा वीडियो कहां देखना है, कब देखना है, राइट? आई होप आपको मजा आ रहा होगा, और EC2 instances रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब EC2 instances के एक दो बेसिक लेक्चर और हैं, जिसमें कुछ बुनियादी बातें हम और देखेंगे, और उसके बाद EC2 के आप मास्टर हो जाएंगे, राइट? EC2 में कुछ बचेगा नहीं जो आपको ना पता हो, कोई भी इंटरव्यू हो पूरी दुनिया में यार, कहीं भी चले जाना आप, ऑलमोस्ट मतलब आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लैब आपको हैंड्स ऑन करनी पड़ेगी भैया, मैक्सिमम चीजें। अब ये सारी चीजें आप जब मैनेजमेंट कंसोल में जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहां चेक करिए कि स्पॉट इंस्टेंसेस के प्राइस क्या है, प्राइसिंग टियर क्या है, आपको नजर आएगा बहुत ही कम रहती है, ऑन डिमांड इंस्टेंस की भी 0.022 समथिंग करके डॉलर में होती है, राइट? तो छोटे छोटे इंस्टेंसेस की, तो बड़े कम इंस्टेंसेस की प्राइसेस रहती हैं, आप देखेंगे आवरली हिसाब से जो होती है, तो वो सारी चीजें आप चेक करिए, मैनेजमेंट कंसोल में जाके आप चेक करिए, राइट? और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना कुछ समझ आ रहा है, आपको और ज्यादा लेक्चर्स की जरूरत है या नहीं है, राइट? और मैं भी थक गया यार पढ़ाते पढ़ाते, राइट? तो बड़ा थका दे तो यार आप मेरे को, यार पता नहीं आप तो चाय पी रहे होगे बैठे बैठे वीडियो देखते हुए, हाँ तो आराम से लेटे हुए होगे अपने बेड पे और देख रहे होगे, अब मुझे देखो आपने खड़ा किया हुआ है यहाँ पे, ये तो ज्यादती है। तो चलिए खत्म करते हैं यहीं पर, और ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।